तुम दुनिया में बेइज्जती कर रही हो। ऐसे होता है। प्लीज अच्छे वाला दिखाना, बुरे वाला मत दिखाना प्लीज यार। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं रेडी हो रही हूँ, मतलब आधा मैंने मेकअप किया है एंड सूट पहन लिया है। मैं अभी फुल लुक आपको दिखाऊंगी। तो मैंने बेस मेकअप भी किया है क्योंकि मैं सोच रही हूँ आई मेकअप मैं दीदी से करवाऊँ क्योंकि दीदी अच्छा मेकअप करते हैं। तो आज है हमारे यहाँ पे कुल पूजा और दूसरी चीज़ है नवमी, क्योंकि मम्मी ने नवरात्रि का फास्ट रखा था तो मम्मी का आज लास्ट फास्ट है। दो प्रोग्राम हम लोग के है, फैमिली प्रोग्राम है सब कुछ। तो जो भी रहेगा आप लोग को दिखाऊंगी। तो पहले मैं आपको अपना फुल लुक दिखा देती हूँ। मैंने सूट पहना है, अनारकली सूट। तो गाइज़ ये है सूट जो मैंने पहना है। तो मुझे कमेंट में बताना कैसा लग रहा है मेरा सूट। ये मैंने ऑनलाइन लिया था नया नया सूट। तो अभी सीरम लगा रहे हैं। रेडी कब हो गए आप? बस रेडी भी हो जाते हैं, कितना टाइम लगेगा हमें रेडी होने में। तो आज मम्मी पापा किचन में हैं। तो क्या बन रहा है ये? ये हमारी आज कुलदेवी की पूजा है। हाँ। तो ये कुलदेवी का प्रसाद बन रहा है हमारा। अभी वर्षा आप बनाना कुलदेवी के लिए हलवे का प्रसाद। हाँ जी। और कुलदेवता जी के लिए हमारा ये रोट का प्रसाद बनता है जो जेंट्स बनाते हैं ना। अच्छा। हाँ। तो इसलिए पापा बना रहे हैं। कुल देवता के लिए। हाँ। और अपना हलवे का प्रसाद। ठीक है। कुल देवी के लिए। और आज वो भी है ना नवमी। हाँ वो तभी तो नवमी में, हमारे नवमी में पूजा होती है ना। अच्छा नवमी होता है। हाँ। ओहो, पापा तो एकदम नेपाली टोपी लगा के। हाँ। तो ये है प्रसाद आप बनाओगे। ठीक है। तो ठीक है। हलवे का, हलवे का प्रसाद मैं बनाऊंगी। हाँ, छोले बना दिए मैंने। अच्छा। और पूरी में और पापा बना लेंगे। ठीक है। ठीक है, तैयार हो जाओ आप। ओके। ऐसा दिखता है प्रसाद, जैसे कि आप देख सकते हो इसके ऊपर ये नारियल है। हाँ, नारियल तो। ओके। यहाँ पे मैं बनाऊंगी अभी हलवा। इसमें ऐसे करके बहुत अच्छे लगते हैं। ओ वाओ। बस 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 हो। तो अभी दीदी भी आ चुके हैं यहाँ पे। जो दीदी ने मेरे को आई शेडो दिया था मैं ये वाला यूज़ करने वाली आज, मतलब तो दीदी लगा देंगे। तो गाइज मैं रेडी हो चुकी हूँ, मेरा मेकअप भी डन हो चुका है। दीदी ने मेरा पूरा फुल मेकअप कर दिया है। तो मुझे कमेंट में बताना कैसी लग रही हो। अगर बुरी भी लग रही होंगी फिर भी बोल देना अच्छी लग रही हो, तो मुझे अच्छा लगेगा गाइज। तो यस, यहाँ पर है प्रसाद जो अभी हम मंदिर में चढ़ाएंगे। कुल देवी का प्रसाद है ना। तो यहाँ पे नीरज भी रेडी हो चुके हैं। बिल्कुल। तो पहले नीरज ने पुराना शर्ट पहना था, फिर हमने बोला कि सब नए कपड़े पहन रहे, तो नीरज को भी नए कपड़े पहनने चाहिए। पर नए तो नहीं है, पर फिर भी नए हैं। कौन किसने बोला पुराना है? अच्छा नए हैं। ठीक है, और क्या, चलो चलो आ जाओ। हाँ ये बोलो ना। सही बात। आपने ढाका टोपी नहीं लगा पापा की तरह? हाँ तो इतने पर। तो हमने पूजा भी कर लिया है। तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? ऊपर। ऊपर कहाँ? मेन मंदिर में। तो यहाँ पहले ऊपर था वो हमारा कुल देवी, क्योंकि कुल देवी का जो पूजा होता है वो हमने अपने घर पे तो कर लिया, पर मेन जो कुल देवी का एक्चुअल मंदिर है वो है हमारे, मतलब नीरज की दादी के घर पे ना। नीरज की दादी के घर पे जा रहे हैं। यस। जय हो महाकाली, जय हो नरसिंह। कट गया। ये कटने से क्या होता है? बलि चढ़ी। अच्छा। जय हो, जय माता सुधा। तो ये है नीरज की दादी का घर और ये है हमारा घर। पूरा लतरेचा। मैं झाड़ू लगाते हुए जा रही हूँ। मेरा चुन्नी। आपने भी लतरेचा। दोनों सास बहू झाड़ू लगाते लगाते जमीन साफ करते करते जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं होती ना खोलते भी नहीं, मम्मी थे खोल दिया। चिढ़ाने में तो नंबर वन माहिर। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर।
कौन से मंदिर जा रहे हैं हमें? कालिस्तान मंदिर, नान का प्रसिद्ध मंदिर। नीरज और पापा तो निकल चुके हैं, अभी दीदी मैं और मम्मी निकल रहे हैं। तो दर्शन भी कर लिए हमने पूरा वहाँ से घूम घूम के, मतलब इधर से घूम के पूरा मंदिर है। तो यहाँ पे लास्ट है ये मंदिर, तो कर लिया हमने पूजा। अभी अंदर मैंने वीडियो नहीं बनाया इतना, क्योंकि ना ऐसा वीडियो मतलब अच्छा नहीं लगता, तब दर्शन करने गए हो तो अच्छे से दिन से दर्शन करना चाहिए। तो वो हमने पूजा पाठ सब कुछ कर लिया अच्छे से, अभी हम लोग जा रहे हैं घर। तो जैसे कि मम्मी ने नवरात्रि का फास्ट रखा था, तो उसके लिए मम्मी यहाँ पे अभी कन्या जिमा रहे हैं। तो मंदिर में ही हमको इतनी सारी प्यारी प्यारी कन्याएँ मिल चुकी है। हाय, हेलो। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है हम लोग मंदिर गए थे, तो वहाँ पे मुझे आज दो बार प्रसाद मिला, सिर्फ मुझे ही मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैं एकदम फुल रेडी रूडी होकर गई थी, तो उनको लगा कि मैं न्यूली मैरिड हूँ मे बी। तो उससे मेरे को पहले सबसे पहले नारियल और प्रसाद मिला, ठीक है ये वाला। इसके अंदर लड्डू वगैरह सब कुछ है। फिर मुझे बाहर जाते वक्त एक और प्रसाद मिला, उसमें भी एक नारियल, एक सिंदूर जो सुहागन का सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और एक ये सिंगार का सामान, बिंदी, टीका, कंगी सब है इसमें, चूड़ी भी है। तो मुझे ये बहुत, आज मुझे बहुत सारे प्रसाद मतलब बहुत आशीर्वाद मिला, मुझे अच्छा लगा मुझे मंदिर में। तो चलते हैं। सो गाइस, जैसे आपको पता ही है कि मैंने उसको गिफ्ट दिया था उसके फर्स्ट तीज का, आज जैसे मैं इधर प्रेजेंट हूँ, तो मैंने सोचा कि ये गिफ्ट दिया ही क्यों ना जाए, लगाया भी मेरे से ही जाए। तो कैसे लगती है? देखना है कि मैं कैसे लगती हूँ, जो कि इनसे ये खुलेगा नहीं, मुझे पता है। रुको, खोल दिया है मैंने, लगा दो। तो अभी इसकी अनबॉक्सिंग तो पहले हो गई थी, अभी हम इसको लगा के देखेंगे योर साइज में कैसे लगती है। ओके, हल्का सा लगा देते ना, इतना टाइट मतलब कैसे मैचिंग कर रही है इसके साथ, देखो रिंग के साथ, ये वाली रिंग के साथ है ना, और ये वाली रिंग के साथ भी, क्योंकि गोल है ना ये, गोल गोल्ड गोल्ड गोल्ड, मतलब गोल्ड का इतना शौक है ना मुझे है? पर मैं मतलब इतना लगाती नहीं हूँ, मेरे को है कि मेरे पास गोल्ड की हर चीज होनी चाहिए, जो कि भगवान की कृपा से हो ही रही है, सब कुछ इच्छाएं पूरी हो रही है, ऐसी रहे। बिल्कुल, ओके, लगाती है मतलब देख लो ऐसे लगा के। एक मिनट गाइस को तो दिखा दो, गाइस इज आल्सो वाचिंग मी, तो देख सकते हो आप कैसा लग रहा है। एंड ये इयररिंग ना मेरे इस रिंग से मैच कर रहा है, ये वाले रिंग से मैच कर रहा है ना, हां, क्योंकि उसमें भी आगे रेड है, उसमें ये गोल के आगे कुछ ऐसे रेड सा है। समझ गए चलो उतार दो, हो गया बहुत। कैसा लग रहा है, मैंने तो देखा ही नहीं। क्या बना रहे हैं नीरज जी? फ्रूट चाट आज नीरज ने बनाया है, फ्रूट चाट, मतलब कि जिसको ज्यादा हैवी हो गया ना अगर डाइस करने के लिए, हाँ, वो खा सकता है। तो गाइस अभी यहाँ पर दीदी बना रहे हैं पिज्जा, होममेड पिज्जा। तो ये हम लोग उसमें सामान लेके आए थे, और यहाँ पे चीज भी है, बिकॉज आज हम बना रहे हैं पिज्जा मार्गरेट, सिंपल, सबसे सिंपल पिज्जा, वैसे क्योंकि हमें सब्जी नहीं मिली, सही बात तो ये है, सब्जी नहीं मिली, मशरूम ढूंढ रहे थे, मिली नहीं, तो हमने सोचा कि चलो फिर अब कुछ और ऑप्शन नहीं है, मार्गरेटा वाला ट्राई कर लेते हैं, सिर्फ चीज़ वाला, वही तो आज हम वही बना रहे हैं। देखते हैं, ये कब से ला के रखा हुआ था, बस इसका एक्सपायरी डेट होने वाला है, तो इससे पहले हमने सोचा कि बना लेते, मम्मी का फास्ट था ना, तो हमने सोचा मम्मी के साथ ही खाएंगे, जब एक बार मम्मी का फास्ट हो जाता हो जाएगा पूरा कम्प्लीट। ये पिज्जा बेस, और इसके ऊपर हमने स्प्रेड कर दिया है ये वाला सॉस। ये हो गया हमारा स्प्रेड पिज्जा सॉस, अब इसके ऊपर हम लोग कर लेंगे चीज को स्प्रेड। वाओ, खूब सारा चीज, बिना कंजूसी के बिना किसी कंजूसी के, सही बात है, चीज में कंजूसी नहीं होनी चाहिए यार, चीज में कंजूसी होगी ना फिर मजा नहीं आता। एक तो सब्जी नहीं, ऊपर से चीज नहीं,
सही बात, कुछ भी नहीं हमारे पास सब्जी। और हमें याद आया लास्ट में, ओह पिज्जा बनाने आज तो बहुत है यार, है ना। हाँ ये तो बहुत है। और ये भी ऑरिगेनो, ये भी नहीं था वो तो मम्मी ने पता नहीं कब का पिज्जा खाया हुआ, मतलब संभाल के अभी अभी था। अभी था ना जब, तब तब का एक्स्ट्रा पड़े हुए थे तो मम्मी ने संभाल के रखा, संभाल के रखा हुआ था मम्मी ने। तो फिर ये आज काम आ गया भाई। अच्छा इसमें मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डाला है अभी, ना मैंने सॉल्ट डाला है ना मैंने मिर्ची डाली, क्योंकि मिर्ची आपको हम लोग उसमें बाद में डालेंगे और ये ना हम बाद में डालेंगे। सॉल्ट मैंने एक्स्ट्रा डाला नहीं है क्योंकि इसमें आई एम श्योर ये जो इसका रेड रेड सॉस है ना इसमें भी होगा, और प्लस चीज़ में बहुत सॉल्ट होता है। हाँ ये तो चेक चेक कर लेते हैं, तो बहुत सॉल्टी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने डाला नहीं। सुंदर लग रहा है ना, पड़ा हुआ पर वो ये कई बार एकदम से खाने का मन कर जाता है तो फिर इसे मैंने कम ही डाला, ठीक है। कम है ये, बहुत ज्यादा नहीं है। अगर ये पिज्ज़ा आदमी को पसंद आ गया तो फिर मैं घर पे बना के खा लूँगी। इतना ज़्यादा है कि कहाँ डालूँ, हो रहा है ओह माय गॉड, पूरे डालो, चीज़ ही चीज़ हो जाएगा, चीज़ ही चीज़। मेरे को फिर चीज़ पिज़्ज़ा इतना पसंद है ना, हमेशा मैं एक्स्ट्रा डलवाती हूँ वहाँ पे भी। यहाँ पे भी मैडम जी चीज़ एक्स्ट्रा डाल देना, एक्स्ट्रा चीज़ विद एक्स्ट्रा चीज़, यस पे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा। इटालियन शेफ बन के ऐसे घुमा के भी दिखाऊंगी, झूठ बोल रहे मैं नहीं घुमा सकती। हाँ सच में बोल रहे, एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी, हुई हो गए तो हुई है, यहाँ नीचे हो जाएगा हुई, खा के नीचे खा लेना उठा के, बस स्टॉप करते हाँ देख लेते हैं। अभी तो बहुत टाइम लगेगा इसको, इट विल टेक टाइम, अभी मेल्ट हो ही रही है। कोई नहीं करते हैं, तो हमें ये मिल गया, क्या बोलते हैं इसको स्टैंड, तो हमने भी इसमें डाला, पहले प्लेट में डाला था। दियो दियो बिगेस्ट फेलियर एवर, बिगेस्ट फेलियर नहीं दे दे दे, गंदी औरत, बदतमीज औरत, मेरी दुनिया में बेइज्जती कर रही है, दुनिया को दिखा रही है कि मैंने क्या कर डाला है। मुझे मैंने ज्यादा रख दिया, मैं भी इधर उधर डोल रही थी ना। ए वो वाला पिज्जा नहीं दिखाएंगे प्लीज वीडियो में, अच्छा ज्यादा बन गया है, अच्छा क्या हुआ दीदी यार, एक चॉकलेट पिज्जा है, चॉकलेट पिज्जा, चॉकलेट बटर पिज्जा, बेइज्जती कर रही है तेरी है। गलती से इंसान सीखता है दीदी, बड़ा मजा आ रहा है इसको तो, खा के तो देखूंगी ना एटलीस्ट। सही बात, ठीक है कच्चा है वो बेस। नहीं नहीं बेस कच्चा नहीं होता, वो ऑलरेडी बेक्ड होता है, उसमें कच्चा क्या होना है। अच्छा ओह माय गॉड माय बैड, माय बैड दीदी, कितने प्यार से सिखा रहे थे बेस में, मैंने सोच रहा था ऐसे करते हैं, बेस में सॉस को स्प्रेड करते हैं, श्रेडेड चीज डालते हैं, लो सत्यानाश हो गया मेरे पिज्जा का। ये ऐसा हुआ कि वहां पे कड़क नहीं बचा, नहीं ये इसको मेल्ट होना चाहिए ना अच्छे से, तो वो हो नहीं पाया पहले। दीदी की गलती नहीं है भाई, पिज्जा की गलती है, पिज्जा की गलती है। हाँ बिल्कुल पिज्जा की गलती, मेरी कोई गलती है ही नहीं। देखो अब फिर भी देखो खा सकते हो आप, ऐसी बात नहीं है, टेस्ट करके बताओ ना एक बार गाइस को।
ना करो आप करो ना होममेड पिज्जा अलग ही रहा है होममेड पिज्जा जलने का भी नहीं आ रहा क्या ये ना बहुत खट्टा है ज्यादा मत डालो इसको पता नहीं था ना हमने टेस्ट भी नहीं किया इसको स्प्रेड करने से पहले थोड़ा सा टेस्ट कर लेते तो शायद पता लगता है इसको आपने तो इतना मसाला डाला था इसमें हां ज्यादा भी डाला था पर हो जाएगा नहीं दिखने में लग रहा है कि जल गया जल गया स्मेल बिल्कुल भी नहीं है जलने की ठीक है हां दूसरा पिज्जा तो देखने लायक भी अच्छा लग रहा है अब खा के देखेंगे कैसा है तो हम पिज्जा घर पे बनाते नहीं है तो पिज्जा कटर रखते भी नहीं है क्या करना है इसलिए तो होममेड बोला हर चीज हर चीज देसी जुगाड़ तो भाई अभी सब टेस्ट करेंगे तो दिखाऊंगी पिज्जा मेड बाय रवीना जिसको खाना आ जाओ कोई नहीं आएगा चलो टेस्ट कराते सबको बस है ना ये बहुत वीवा वीवा वालों देख रहे हो तो जोर से ज्यादा खट्टा है यार अच्छा मतलब बहुत ही आर्टिफिशियल फ्लेवर है टमाटर का खट्टापन तो इसमें आ भी नहीं रहा ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन सी ही वो सारनेस पता नहीं बहुत ही अजीब सी और बहुत ज्यादा ही है पिज्जा ही खराब कर देगी कोई मत यूज करे वीबा का ये पिज्जा सॉस पास्ता पिज्जा सॉस कोई यूज ना करे बहुत ज्यादा ही खट्टा है यार इतना खट्टा कौन खा सकता कोई नहीं खा सकता कोई नहीं खा सकता वहाँ वेट कर रहे हैं सब आपके पिज्जा का पापा खिला रहे सच में बता रही हूँ सच में बता रही हूँ अच्छा है फ्लेवर अच्छा है बट ये जो बेस है ना ये फ्रेश नहीं है एक तो हमने इतने दिन तक रखा रखा हमारी गलती है बट टेस्ट अच्छा है खा के देख टेस्टी है कैसा है अच्छा भाई और पर मम्मी वो ब्रेड बासी है ना लेकिन पता क्या ये निचला वाला जो हार्ड व्यू है हार्ड हां वही तो बासी बोल रहा हूं ना बासी हो गया हार्ड हो गया बासी है एंड बस चीज पे बैठ जा किराएदार की तरह बोल रहा है बैठ जा बेटा पिज्जा खा ले टेस्ट करो आप जल्दी फिर मैं भी टेस्ट करती हूँ टेस्ट नहीं किया नहीं जब तक पति नहीं खाया तो मैं कैसे खा सकती नहीं खा खा क्या बना चाहिए देखो मैंने सॉस नहीं डाला चीज में इतना नमक होता है कि खट्टा भी लग रहा है टेस्ट अच्छा है सच में यानी कि ऐसा है फ्रेश ब्रेड लाएंगे फिर बनाएंगे बच्चे ही बन जाता है ऐसे कौन खाता है यार कैसा है बच्चा के सामने बच्चा बन जाता है मैं नीरज के सामने बच्चा बनता है नीरज मेरे सामने बच्चा बन जाता है तो गाइस हमने आज पिज्जा भी खा लिया बहुत ही टेस्टी पिज्जा था सच्ची बताओ कैसा था यार अब क्या बताया अब डोमिनोज के आता था तो फिर घर का पहली बार बनाया था ना हां फर्स्ट तो कोई बात नहीं फर्स्ट टाइम बनाया है तो नेक्स्ट टाइम बनाएंगे तो इससे और अच्छा बनाएंगे सही बात है पर फर्स्ट जो था वो फर्स्ट अटेम्प्ट थोड़ा फेल हुआ सेकंड तो अच्छा बना था मतलब खुद पे ज्यादा कॉन्फिडेंस कर लिया देखा नहीं दीदी देखेगी ना वीडियो मारेंगे मतलब दीदी ने बेचारे मेहनत करके बनाया तो सही भाई वही चीज अच्छी बात है पर पापा को तो बहुत पसंद आया मम्मी को भी अच्छा लगा मुझे भी अच्छा लगा बट वो ये बेस उसका ना थोड़ा क्या हो गया था वो बेस बहुत ही हार्ड हो गया हार्ड हो गया था बस वही था क्रिस्पी टाइप हो गया था ज्यादा बेस पर फिर भी ठीक था इतना बुरा भी नहीं था ना था तो जिस हिसाब से हमारा मटेरियल था और भी अच्छा बन सकता था लेकिन क्या हुआ मतलब कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम अच्छा बनेगा तो ये व्लॉग एंड करते हैं और कल है दसई ये तो कल दसई है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है दसई के व्लॉग के लिए इंतज़ार करना ये व्लॉग ख़त्म करते हैं व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना बाय बाय लव यू गाइस बाय